चंदौसी में कमलेश तिवारी की हत्याकांड को लेकर यहां हिंदू संगठनों ने हिंदू नेता कौशल किशोर वंदे मातरम के नेतृत्व में सामूहिक रूप से ब्रह्म बाजार को आक्रोशित पद यात्रा निकाली, जो फड़ियाई बाजार, नमक मंडी, घंटाघर, हुसैनी बाजार, मुरादाबाद गेट, फवारा चौक होती हुई भगत सिंह प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित हो गई। श्रद्धांजलि सभा में हिजाम क्षेत्रीय संगठन मंत्री हितेश बंसल जी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह जो हिंदू नेताओं का हिंदू हित कार्य करने वाले लोगों की जो निरंतर हत्याएं हो रही हैं, यह सब केरल मॉडल के रूप में हो रही है। जैसे केरल में वर्षों से संघ व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या विभत्स के रूप में की जाती थी, ठीक उसी प्रकार यहां भी हत्याएं हो रही हैं। समाज को सचेत करने की आवश्यकता है। आज चंदौसी में हिंदू समाज ने जो हिंदुत्ववादी कमलेश तिवारी जी की जो निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है, उनके श्रद्धांजलि देने के रूप में एक पदयात्रा यहाँ सभी हिंदू समाज ने, चंदौसी के हिंदू समाज ने एकत्रित होकर ब्रह्म विहार से और शहीद भगत सिंह की मूर्ति तक यहाँ निकाली है। सरकार से मांग करी है जो निर्ममता पूर्वक हत्यारे हैं उन्हें कम से कम ऐसा उन पर चार्ज लगे जो उन्हें फांसी की सजा हो। ऐसे बर्बरता पूर्वक को ना तो हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा और ना ही यहाँ के हिंदू संगठन बर्दाश्त करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने संदेश दिया है कि हिंदू सो रहा है, ये कतई उनकी गलतफहमी है। हिंदू समाज और इससे जागृत हुआ है और वो कहते हैं ना जो कि हिंदू आतंकवाद तो आप दिखेगा उन लोगों को, आतंकवादियों को, जिन्होंने हमारे हिंदुत्ववादी नेता को इस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या की है, कायरों की तरह एक अंजाम दिया है। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखाएं, सामने आकर गोली चलाए, तब हिंदू समाज इसका जवाब देगा। हिंदू समाज आज मांग करता है केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि उनके परिजनों को सुरक्षा दी जाएगी और ऐसे अनेकों हिंदुवादी यहाँ पर नेता है उन लोगों की भी सुरक्षा पुख्ता की जाए जो समय समय पर उन्हें धमकियाँ मिलती रहती हैं और ऐसा एक कड़ा कदम उठाए जो आतंकवादी हमारे देश के अंदर तो क्या कहीं देश के बाहर भी अगर उस पर्दी में आने से भी घबराए, ऐसा एक उन्हें सुरक्षा का कदम उठाना चाहिए। और हम इस कमलेश तिवारी की जो हत्याकांड हुआ है, हम उसे एक ऐसे हत्याकांड को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू समाज चुप नहीं बैठा, हत्या की है इसका बदला अवश्य लिया जाएगा और एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाएगा। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि उनकी जो परिवार की सुरक्षा है वो कड़ी की जावे और जो भी उचित कदम हो सके उनकी सुरक्षा में उसमें कोताही कभी नहीं बरती जावे।